तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल एजुकेशन का पूछा गया पेपर, ठीक है, और सेट बी है। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्टली मैं आता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए 24 यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, लेकिन 24 में एग्ज़ाम हुआ है, फिर भी यहाँ पे 23 लिखा गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी रक्षा करता है। एग्ज़ाम लेना था इनको 23 में, ले रहा है 24 में, ठीक है। सेशन 23-27 है, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75, पासिंग मार्क्स 30। पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आया है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। एंड इसमें ग्रुप ए भी दो भागों में बांटा गया है। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। इसमें 1 मार्क्स वाले में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है ये बताना है, ठीक है। हिंदी में भी कर सकते थे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है, यह इलेक्ट्रिकल के थ्रू चलता है, ठीक है। और इसमें एक CPU, मदरबोर्ड, ये सब बता सकते हैं, कीबोर्ड, इसके पार्ट्स होते हैं। चलिए फिर पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या है। फिर पूछा गया था कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है हमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सभी प्रकार से सुरक्षा देना, ठीक है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट सुरक्षा हो गया, ऑनलाइन सुरक्षा हो गया, ठीक है, इसमें आपका ऑनलाइन जितना भी चीज़ें होती हैं इन सभी से सुरक्षा प्रदान करना है, मुख्य कारण इसका सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। देन है हमारा डिफाइन इंटरनेट, इंटरनेट क्या है ये पूछा गया था, ठीक है। फिर हमारा एक्सप्लेन G2B, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये 4 में से हर बार एक आएगा। G2C के पूछा था, G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर भी हो गया है, सॉरी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C। अब G2G पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, या फिर G2E पूछा जा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग रेडी कर लीजिएगा, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये हो गया G2B, यानी कि सरकार का बिजनेस तक पहुँच। 1 मार्क्स का है, बस थोड़ा सा लिखिएगा तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर कि राइट डाउन द डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, तो इलेक्ट्रॉनिक शासन का क्या क्या मतलब बुराइयां हैं, ठीक है, या फिर कमियां हैं ये बोल सकते हैं, ठीक है। हानियों को लिखना है, ई गवर्नेंस की हानि क्या है। तो देखिए इसमें जो है रोज़गार को बहुत बड़ा झटका मिला है, ठीक है, पहले 15 व्यक्ति काम करता था, आज 2 ही व्यक्ति काम में हो जा रहा है, ठीक है। तो एक वो है कि रोज़गार में खतरा, दूसरा हर जगह इंटरनेट हमें नहीं मिल सकता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, हर जगह इंटरनेट नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो वो इसका उपयोग नहीं कर सकता, ये भी एक समस्या है। चौथा, इससे जो है मानसिक तनाव पड़ता है, तो ये भी एक समस्या है। आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी एक समस्या है, ठीक है। तो बस इस तरह से लिखने थे 5, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि राइट डाउन द बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो पूछा गया था। तो इसमें वही बता दीजिए कि काम जल्दी होता है, ठीक है, और सस्ता होता है, ठीक है। जैसे पहले जो है हमारा काम करने के लिए कई व्यक्तियों को रखा जाता था रोज़गार में, अब जो है उसको कम व्यक्ति रखा जाता है, ठीक है। तो कंपनी की दृष्टि से देखा जाए तो यह फायदे में है, लेकिन अगर व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो यह घाटे में है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपना पढ़ाई लिखाई कर सकता है, तो ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है, ठीक है, AI शॉर्ट में बोलते हैं। तो 5 को लिखना था। ग्रुप बी यहाँ पे 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन, इसमें पहला है कि राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में, ठीक है, ईजी है। फिर हमारा कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये पूछा गया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण विभिन्न साइबर सुरक्षा के बारे में। अगला है हमारा कि राइट डाउन द स्टेप्स टू फॉर्म अ प्रेजेंटेशन एंड स्टेप्स टू परफॉर्म स्लाइड शो, ठीक है, ये पावर पॉइंट के लिए हो जाता है, तो जो लोग पावर पॉइंट पढ़े हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किन किन चरणों को किया जाता है, सभी स्लाइड शो को आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लिखना था, ठीक है, इसका उद्देश्य समाज में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, ठीक है, काम को जल्दी करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखना, नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है।
और इसमें जो है एक चीज़ ये भी है कि भ्रष्टाचार को कम हो गया है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट से, ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन होता है तो आप भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है। 8 नंबर है कि राइट डाउन द डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार के साइबर सुरक्षा थ्रेट्स के बारे में पूछा गया था। देन है हमारा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स से फ़ायदे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, कुछ क्वेश्चन सेट वन से आएंगे और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएंगे। इस तरह से आपका पूरा पेपर आएगा, इंग्लिश में आएगा पेपर, आपको इसका आंसर हिंदी में भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बस मास्टर को बोल दीजिएगा क्वेश्चन हमारा हिंदी में लिख दीजिए और लिख देंगे, और नहीं लिख देते हैं तो आप लोग खुद हिंदी में इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा क्वेश्चन, और आंसर भी खुद हिंदी से लिख दीजिएगा, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में नहीं लिखने सकते हैं, बाकी जो लोग इंग्लिश में लिखने सकते हैं वो लोग इंग्लिश में ही लिख लीजिएगा, ठीक है। बाय। पीडीएफ जिनको चाहिए, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हैं।